भिंड जिला चिकित्सालय में पदस्थ 3 कर्मचारियों को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि पकड़े गए लोगों में सीएमएचओ कार्यालय का बाबू अजेंद्र सिंह कुशवाहा, ड्राइवर अजीत सिंह, श्याम सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई हुई है। एक्यूपंक्चर क्लिनिक संचालक शैलेंद्र पवैया से 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। 2,000 रुपये वो पहले ले चुका था और 4,000 की बाकी रकम के साथ लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भिंड जिला अस्पताल परिसर में लोकायुक्त की टीम के द्वारा शेष कार्यवाही जारी है। तो इनका कहना है कि हमें रिश्वत नहीं दोगे तो आपकी क्लिनिक में चलने नहीं दूंगा। मेरे पास वहाँ एक्यूपंचर से कुछ सामान रखा था तो वही सामान उठा लाए और बोले मैं आपकी दुकान सील्ड कर दूंगा। फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए, तो मुझे बताया किसी ने कि आप ग्वालियर जाओ, लोकायुक्त में आवेदन दो और उन्हें रिश्वत देते पकड़वा दो। तो मैं गया लोकायुक्त में, आवेदन दिया। इन्होंने कहा कि मैं रगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है और उन्होंने रिकॉर्डर दे दिया मुझे, एक सिपाही भेजा साथ में। बुनियादी जो शैलन सिंह है, मौका रहने वाला है और इसने माँ भद्रकाली नाम से अपना एक क्लिनिक पर स्वयं की प्रैक्टिस करता है। उस प्रैक्टिस के एवज में सीएमएचओ कार्यालय भिंड से अजेंद्र सिंह और राजकुमार दुबे ये 6,000 रुपये की मांग कर रहे थे। उसने रिश्वत देने से मना किया कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मेरे पास दुकान का लाइसेंस है। जिन्होंने कहा कि अगर आप रिश्वत नहीं दोगे तो मैं आपकी दुकान को सील कर दूंगा और क्लिनिक को नहीं चलाने दूंगा। इस एवज से